बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जीआईएमएस के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल। करवारा बाजार में राम नवमी जुलूस और मेला को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। जीबी नगर थाना परिसर में शनिवार को डीएम अमित पांडे, एसपी शैलेश कुमार, एसडीओ सदर रामबाबू बैठा, एसडीपीओ अशोक कुमार आजाद, सीओ पचरुखी धर्मनाथ बैठा, सीओ गोरिया कोठी अरुण कुमार सुमन, आरओ बढ़रिया राकेश कुमार, इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में रामनवमी मेला व जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जनप्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवी वर्ग के साथ शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि कोई भी जुलूस या मेला को शांतिपूर्ण संपन्न कराना प्राथमिकता है, जिसको आप सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण संपन्न करवाया जा सकता है। वहीं एसडीओ सदर रामबाबू बैठा और एसडीपीओ सदर अशोक कुमार आजाद ने संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी विवाद आप लोग चाहेंगे तो सुलझ जाएगा। आप लोग कोई भी समस्या हो तो समय रहते स्थानीय पुलिस प्रशासन को जानकारी दें, ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई किया जा सके। उपस्थित लोगों ने रास्ते के विवाद को लेकर अपनी अपनी राय प्रस्तुत की और विवाद को सुलझाने की बात पर जोर दिया, जबकि प्रचुरकी सीओ धर्मनाथ बैठा ने सभी अखड़ा जुलूस के सदस्यों को लाइसेंस लेने की बात पर जोर देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस और रूट चार्ट का कोई भी जुलूस अखाड़ा निकलेगा तो वो गैर कानूनी होगा। यही नहीं, रूट चार्ट से हटकर भी कोई जुलूस नहीं आएगा। साथ ही ऑर्केस्ट्रा तथा डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा, अगर होगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।